नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं आपके साथ इंड एएस के बारे में चर्चा करने आया हूं कि इंड एएस है क्या और ये आईएफआरएस से कैसे जुड़ा हुआ है। आईएफआरएस इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स है जो पूरी दुनिया में लागू हैं, और ये इंड एएस से डिफरेंट कैसे है कि अगर मैं भारत में इंड एएस लागू कर रहा हूँ तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने भारत में आईएफआरएस लागू किया है, या अगर मैं इंड एएस लागू कर रहा हूं तो क्या मुझे स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंड एएस में प्रिपेयर हुए हैं, ये आईएफआरएस में प्रिपेयर नहीं हुए हैं। और अगर मैं ये ऐसा स्टेटमेंट देता हूं तो क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अंतर्राष्ट्रीय लेवल की स्टेटमेंट्स होंगी, तो क्या ऐसा फर्क है आईएफआरएस और इंड एएस में जिससे हमें नया नाम रखना पड़ा और हम अलग नाम से इसको भारत में प्रेजेंट कर रहे हैं, और आईएफआरएस है क्या, ये क्यों आया, क्यों ये सभी देशों में लागू हुआ। तो अगर मैं आईएफआरएस की बात करूं तो 1973 में ये मुहिम शुरू हुई। 1973 में कुल 9 देशों ने सोचा, अगर मैं बात करूं कि आईएफआरएस है क्या, कहां से आया, किन लोगों ने इसकी शुरुआत की, तो उसके बारे में अगर बात करूं, देखेंगे जब से भारत में इंडेस लागू हुआ है हमारी कदर दुनिया में और ज्यादा बढ़ गई है कि एक ऐसे देश के रूप में जो एक सर्विस इंडस्ट्री के रूप में उभरा है कि हमें अकाउंटिंग आती है जो कि इंटरनेशनल नेचर है, हम पूरी दुनिया का काम आज भारत में कर सकते हैं, हम किसी भी देश की अकाउंटिंग आज भारत में कर सकते हैं क्योंकि हमें इंड एएस आता है। अगर किसी भी सदस्य को इंड एएस की नॉलेज है या आईएफआरएस की नॉलेज है वो दुनिया में कहीं भी काम कर सकता है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में आईएफआरएस लागू है, पूरे यूरोप में लागू है। ये हुआ कैसे, मेनली इसका चलन 2005 में शुरू हुआ जब पूरे यूरोप में डिसाइड कर लिया कि जो भी ग्रुप लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जैसे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ग्रुप लेवल पे जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, जो भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अगर वो ग्रुप लेवल की फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रही हैं तो वो अकाउंटिंग आईएफआरएस में करेंगी। अब अलग अलग गैप, जैसे जर्मन गैप, फ्रेंच गैप, आयरिश गैप, अलग अलग गैप यूज ना होके सिर्फ एक ही अकाउंटिंग यूज होगी और उस अकाउंटिंग को बोलेंगे आईएफआरएस गैप ग्लोबल लेवल पे। अगर वो मल्टीनेशनल कंपनी अपनी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही हैं तो वो आईएफआरएस में बनाएंगी ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे वो अपने अपने देश के हिसाब से बनाएं, पर वो ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के हिसाब से बनाएंगी। तो एकदम से आईएफआरएस का चलन शुरू हुआ 2007 में। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ने इसको अपना लिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका ने आईएफआरएस को अपना लिया। 2008 में G20 summit में इंडिया, ब्राजील, कनाडा, अर्जेंटीना सिग्नेटरी थे कि वो 1 अप्रैल 2011 से लागू करेंगे, 1 अप्रैल 2011 से इंटरनेशनल अकाउंटिंग लागू करेंगे। 2011 में भारत ने पोस्टपोन कर दिया, ब्राजील, कनाडा एंड अर्जेंटीना ने अपने कहे टाइम पे इसको लागू कर दिया। हमने पोस्टपोन कर दिया, कोई डेट नहीं दी। जब नई गवर्नमेंट आई, इन्होंने मैंडेटरी किया कि 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2015 से ये मैंडेटरी है, डेट ऑफ ट्रांजिशन दे दिया गया। और फर्स्ट इंड एएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भारत में बनी, फर्स्ट इंड एएस कंप्लाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भारत में बनी, जो मैंडेटरी थी, वो थी 31 मार्च 2017 की। तो पहली बार भारत में इंड एएस लागू हुआ, मैंडेटरी लागू हुआ 1 अप्रैल 2015 से, वो डेट ऑफ ट्रांजिशन है। 31 मार्च 2016 ये करंट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसके साथ 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट पब्लिश हुई जो कि इंड एएस कंप्लायड बैलेंस शीट थी, जो कि कन्वर्टेड बैलेंस शीट थी, इसको बोल देंगे कन्वर्टेड बैलेंस शीट। इकतीस मार्च
2015 तक प्रीवियस आई गैप लागू था। 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट को उठा के आईएफआरएस 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस लागू किया, मैंने भारत में इसको नाम दिया गया, जैसे आईएस 1 है भारत में इसका नाम हो गया इंड एएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नाम सेम रहा कोई फर्क नहीं। आईएस 2 हो गया इंड एएस 2 इन्वेंट्रीज। अगर आईएफआरएस के लेवल पे आईएस 3 नहीं है तो इंड एएस 3 भी नहीं है, ये या तो विड्रॉ कर लिया गया, इधर विड्रॉन और मर्ज्ड, या तो ये स्टैंडर्ड विड्रॉ हो गया है या ये मर्ज हो गया किसी दूसरे स्टैंडर्ड में। आईएस 3 नहीं है तो इंड एएस 3 भी नहीं है, आईएस 4 नहीं है तो इंड एएस 4 भी नहीं है भारत में। तो अगला स्टैंडर्ड जो आईएफआरएस का लागू है वो है आईएस 7, तो भारत में इसका नाम दे दिया गया इंड एएस 7। ऐसी हमारी सीरीज चली आईएस 40 आईएस 41 तक, भारत में इसका नाम हो गया इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंड एएस 41 एग्रीकल्चर। अब मुझे ये बताइए कि जब आईएफआरएस 1 लागू हुआ तो भारत में इसका क्या नाम दें? आईएफआरएस 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, और अगर मैं इंडियस लागू करूंगा तो इसको मैं फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियस बोलूंगा, या मैं ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हूं तो एनजीएफआरएस बोलूंगा, अगर मैं सिंगापुर में हूं तो एसएफआरएस बोलूंगा, जिस भी देश में लागू हुआ नए नाम से लागू हुआ, बट ये मोर और लेस आईएफआरएस जैसा ही है, बहुत कम फर्क है आईएफआरएस और बाकी देशों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो आप इन फ्यूचर अगर कह सकते हैं, अगर आपको आईएफआरएस का ज्ञान है तो आप अपने आप को इंटरनेशनल अकाउंटिंग ग्लोबल रिसोर्स बोल सकते हैं, क्योंकि आपको अगर आईएफआरएस आता है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी काम कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये जानना है कि आईएफआरएस और उस देश के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या फर्क है। अगर आपको आईएफआरएस और इंड एएस का फर्क पता है तो आप इंड एएस में आसानी से काम कर सकते हैं, अगर आपको आईएफआरएस और एनजीएफआरएस का फर्क पता है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आसानी से अकाउंटिंग कर सकते हैं, अगर आपको आईएफआरएस और जो कनाडा में आईएफआरएस लागू हुआ है उसमें अगर कोई फर्क है तो आप आसानी से कनाडा में भी अकाउंटिंग कर सकते हैं। आईएफआरएस मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, पूरी दुनिया में ऐसी अकाउंटिंग जो पूरी दुनिया में लागू है, और आप कहीं भी एज एन अकाउंटेंट इस ज्ञान के साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको 35 से 40 साल लग गए लागू करवाने में, तो ये कम से कम 50 से 100 साल तो रहेगी, और अगर ये 50 से 100 साल रहेगी तो बेहतर है कि जितना जल्दी हम इसका ज्ञान प्राप्त कर लें तो हम एक अपने आप को इंटरनेशनल अकाउंटिंग प्रोफेशनल बोल सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई आईएफआरएस एंड एएस की नॉलेज लेना चाहते हैं तो वो आईएफआरएस पढ़ें, क्योंकि आईएफआरएस स्रोत है, आईएफआरएस सोर्स है। अगर आपको आईएफआरएस का ज्ञान है तो बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑटोमेटिक हो जाएंगे, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ज्ञान तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ डिफरेंस जानना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं जो कि कन्वर्टेड है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आईएफआरएस में क्या था। अगर मैं छोटी सी बात करूं तो आईएस 40 की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आईएफआरएस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। बट अगर मैं इंड एएस की बात करूं तो इंड एएस में सिर्फ एक ही मॉडल है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आईएफआरएस में दो मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। इंड एएस की बात करूं तो इंड एएस 40 में सिर्फ कॉस्ट मॉडल है। अगर आप डायरेक्टली इंड एएस पढ़ते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दो मॉडल थे, एक रह गया। ऐसी अगर मैं आईएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूं तो आईएफआरएस में दो इनकम स्टेटमेंट बनाने का प्रावधान है, कि अगर आपके पास चॉइस है आप सिंगल स्टेटमेंट अप्रोच से बना सकते हैं या डुअल स्टेटमेंट अप्रोच, दो स्टेटमेंट दे सकते हैं। वहां पे एक नया रूप आया इनकम स्टेटमेंट का, प्रॉफिट एंड लॉस और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप चाहे तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस की अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं, या आप चाहें तो एक ही स्टेटमेंट में दे सकते हैं।
जब इंडियस लागू हुआ तो हमने कहा कि हमें दो स्टेटमेंट नहीं चाहिए, हमें तो एक ही स्टेटमेंट में हम दोनों प्रेजेंट कर देंगे, हम पीएनएल भी एक ही स्टेटमेंट में दे देंगे और ओसीआई भी एक ही स्टेटमेंट में दे देंगे। फिर बात आई कि आप अगर पीएनएल प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड से प्रेजेंट करना चाहेंगे या फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड से। नेचर ऑफ एक्सपेंस जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, स्टेशनरी एक्सपेंस, ये नेचर ऑफ एक्सपेंस है। फंक्शन ऑफ एक्सपेंस है जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये फंक्शन ऑफ एक्सपेंस हो गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन भी आ जाता है और रेंट भी आ जाता है। तो आईएफआरएस कहता है कि अगर आप फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड से प्रेजेंट करते हो तो आपको नेचर ऑफ एक्सपेंस डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। तो हमने कहा हम इतनी दुविधा क्यों लें, हम इतनी टेंशन क्यों लें कि पहले हम फंक्शन ऑफ एक्सपेंस मेथड से रिकॉग्नाइज करें और बाद में नेचर ऑफ एक्सपेंस डिस्क्लोज करें, हम क्यों ना सीधा ही नेचर ऑफ एक्सपेंस से डिस्क्लोज कर देते। तो हमने कहा इंड एएस वन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पीएनएल में एक ही तरीका है, नेचर ऑफ एक्सपेंस मेथड से ही हम प्रेजेंट करेंगे, हम कोई चॉइस नहीं देंगे। जैसे ही हमने चॉइस एलिमिनेट किया वो इंड एएस हो गया, जैसे ही हमने इनकम स्टेटमेंट का चॉइस एलिमिनेट किया वो इंड एएस हो गया, जैसे ही हमने कहा कि हम नाम भी हमारी मर्जी से रखेंगे, हमें इंटरनेशनल नाम देने की कोई जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन हम तो अपना पुराना बैलेंस शीट से खुश हैं, तो हम बैलेंस शीट नाम देंगे। इंड एएस या प्रीवियस गैप में कंसेप्ट था ऑर्डनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स का, जैसे आईएफआरएस और इंड एएस लागू हुआ अब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नामक कोई भी कंसेप्ट नहीं रहा है, अब सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इक्वल प्रोमिनेंस के साथ प्रेजेंट की जाएगी, कोई डिफरेंस नहीं रहा। तो जहां जहां पे चॉइसेस है वहां वहां पे अगर हम एलिमिनेट कर देते हैं तो इंड एएस हो जाता है। कुछ एक जगह ऐसी है जहां पे स्पेशली हमने कहा कि नहीं, हम तो अपने तरीके से अकाउंटिंग करना चाहते हैं, हमें आपका तरीका समझ नहीं आया। तो अगर वो हम डिफरेंसेस को समझ लें तो हमें आईएफआरएस भी आता है, और अगर उसको हम डिफरेंसेस वहां से हटा के जहां जहां पे थोड़ा सा बदलाव है उनको भी समझ लें तो हमें इंड एएस का ज्ञान भी हो जाएगा। पर अगर हमें आईएफआरएस आता है तो मैं वही जाके डिफरेंसेस ऑस्ट्रेलियन गैप के साथ भी देख सकता हूं, वही कैनेडियन गैप के साथ देख सकता हूं, वही हांगकांग गैप के साथ देख सकता हूं, सिंगापुर गैप के साथ देख सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे स्रोत पता है कि इन बाकी देशों ने कहां से लागू किया तो मेरे लिए आसान होगा यह समझना कि उन देशों में उन्होंने क्या लागू किया क्या नहीं लागू किया। तो बेहतर यही होगा कि हम आईएफआरएस को समझें तो इंड एएस तो अपने आप ही आ जाएगा, इंड एएस तो आईएफआरएस का एक रूप है। अगर हम ये समझ लेंगे कि क्या हमने नहीं यहां लागू होने दिया, क्या हमने यहां चॉइसेस नहीं दी, वो इंड एएस बन जाएगा। तो आईएफआरएस वन फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, तो इसका नंबर अब क्या दूं। बात यह हुई कि आईएस वन तो मैंने ले लिया, इंड एएस वन, आईएस 40, इंड एएस 40, आईएस 41, इंड एएस 41, अब क्या करूं, अब आईएफआरएस वन को क्या बोलूं, आईएफआरएस वन का क्या नाम ऐसा रखूं, सोचे जरा। तो जो भी आपको लगे एक बेहतर नाम हो सकता है वो नाम मुझे दे दीजिए। तो मुझे लगा या हमने सोचा, भारत में सोचा गया कि इसका नाम दे देते हैं इंड एएस 101। तो हमारे यहां सीरीज शुरू होगी कि अगर आईएफआरएस 1 है तो उसका नंबर होगा इंड एएस 101, अगर आईएफआरएस 2 है तो उसका नंबर होगा इंड एएस 102, आईएफआरएस 3 है तो उसका नंबर होगा इंड एएस 103। 1 जनवरी 2018 को IFRS 15 लागू हुआ पूरी दुनिया में, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स। हमने एक बार तो पहले डेट दी थी कि हम पूरी दुनिया से पहले लागू करेंगे, फिर हमें समझ आया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें देखना चाहिए पूरी दुनिया कैसे लागू करती है। फिर हमने भी अपना बयान वापस ले लिया और हमने कहा कि जब पूरी दुनिया लागू करेगी तभी हम इशू करेंगे। हमने इशू किया 1 अप्रैल 2018 से और भारत में इसका नाम हो गया, अब तो आप जान ही गए कि इसका क्या नंबर होना चाहिए, आईएफआरएस 15 को क्या बोलना चाहिए, इंड एएस 115, सेम नाम बस नंबर का बदलाव है। ऐसे ही पूरी दुनिया में लागू हुआ आईएफआरएस 16 लीजेस। 1 जनवरी 2019 से पूरी दुनिया में लागू किया गया आईएफआरएस 16। तो भारत में अब जब इंड एएस लागू हो गया है तो हमारी भी मजबूरी है कि इसको साथ साथ हमें भी लागू करना पड़ेगा। 1 अप्रैल 2019 से आईएफआरएस 16 भी भारत में लागू हो गया। भारत में क्या नंबर होगा, मैंने कुछ गलत लिख दिया, भारत में नंबर होगा इंड एएस 116 लीजेस। अभी तक आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ग्लोबल लेवल पे इशू हो चुका है, बट उसकी डेट पहले तो 2021 आई थी, अभी पोस्टपोन होने के आसार है कि 2022 से लागू होगा। तो अगर कभी भी लागू होगा तो हम आज भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सकते हैं और हमें पता है कि नंबर भी क्या होगा, आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट का नंबर क्या होगा। अब तो आप अंदाजा लगा ही चुके हैं क्या आईएफआरएस 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स भारत में किस नाम से जाना जाएगा, इंड एएस 1117, इंड एएस 117 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम से भारत में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टैंडर्ड इशू होगा। और उससे रिलेटेड स्टैंडर्ड जो आईएफआरएस 4 है और अभी
इंड एएस 104 है वो विड्रॉ हो जाएगा उस दिन। आईएफआरएस 4 आज एक स्टैंडर्ड है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे, भारत में अभी इसको इंड एएस 104 के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही इंड एएस 117 लागू होगा, इंड एएस 104 उस दिन विड्रॉ हो जाएगा और पहली बार आईएएस 1 टू आईएएस 16 की सीरीज में पहली बार कोई स्टैंडर्ड विड्रॉ होगा या मर्ज होगा, वरना ये सीरीज आज तक पूरी है। आईएएस आईएफआरएस 1 से लेकर आईएफआरएस 16 तक ये सीरीज पूरी है। अब आपको कन्वर्जेंस और अडॉप्शन का फर्क समझ आ गया होगा। अगर हम अडॉप्ट करते तो हम वर्ड बाय वर्ड करते, अगर हमने कन्वर्जेंस किया है तो हम आईएफआरएस के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स यहां इशू करेंगे और ये कहेंगे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो इंड एएस में प्रिपेयर्ड हैं, वो आईएफआरएस में प्रिपेयर्ड नहीं है। अब बात आई थी लागू करना, जैसे मैंने कहा ना कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस और इंड एएस की जरूरत पड़ती है। अब ये लागू कैसे होगा और तीन बैलेंस शीट की क्यों जरूरत पड़ी, और पहली जब इसकी डेट 1 अप्रैल 2015 है तो मैं क्यों ये कह रहा हूं कि 31 मार्च 2017 को पहली इंड एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी। तो हमने भारत में इसको लागू किया फेजेस में, हमने कहा कि जो भी 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां हैं और जो लिस्टेड हैं उनके ऊपर ये फेज वन में लागू होगा, उनके लिए डेट ऑफ ट्रांजिशन है 1 अप्रैल 2015। उनके लिए अगर डेट 1 अप्रैल 2015 है तो 31 मार्च 2017, और ये बोले कि डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 2015, और एक ऐसा भी बोला गया कि मैंडेटरीली एप्लीकेबल है फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर, मैंडेटरीली एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग 1 अप्रैल 2016। अब मैं ऐसे बोलूं कि इंड एएस लागू होगा जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 को, अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा 1 अप्रैल 2016 को तो खत्म कब होगा 31 मार्च 2017 को। तो मतलब ये कि जो मेरी पहली इंड एएस कंप्लायंट बैलेंस शीट बनेगी वो 31 मार्च 2017 की होगी, फर्स्ट इंड एएस कंप्लायंट बैलेंस शीट जो बनेगी वो 31 मार्च 2017 की होगी, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि ये फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2016 से लागू होगा। डेट ऑफ ट्रांजिशन क्यों 2015 हुआ 1 अप्रैल 2015, क्योंकि इंड एएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप करंट ईयर की बैलेंस शीट पब्लिश करते हो उसके साथ आपको कंपैरेटिव 31 मार्च 2016 का देना होगा। ये इंड एएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आईएएस 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जब भी आप करंट ईयर बैलेंस शीट पब्लिश करोगे आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट देना ही होगा। पर एक स्टैंडर्ड है आईएएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज या इंड एएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज जो कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करोगे या जब भी कोई प्रायर पीरियड एरर करेक्ट करोगे या नया गैप लागू करोगे या पहली बार आप आईएफआरएस या इंड एएस लागू कर रहे हो, इन तीन सिनेरियोज में आपको एक तीसरी बैलेंस शीट भी पब्लिश करनी पड़ेगी। उस बैलेंस शीट को बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द अर्लिएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड, बिगिनिंग ऑफ द अर्लिएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड। अब ध्यान से समझो, बिगिनिंग ऑफ द अर्लिएस्ट पीरियड, इन दोनों में से अर्लिएस्ट पीरियड कौन सा है? एक पीरियड तो हुआ 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 17 तक, एक पीरियड हुआ 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक, इन दोनों में से अर्लिएस्ट कौन सा है? अर्लिएस्ट पीरियड है 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2016 वाला अर्लिएस्ट पीरियड है। अब अर्लिएस्ट पीरियड का बिगिनिंग का डेट क्या हुआ? बिगिनिंग ऑफ द अर्लिएस्ट पीरियड प्रेजेंटेड 1 अप्रैल 2015। ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करो या जब भी आप कोई प्रायर पीरियड एरर करेक्ट करते हो जो 1 अप्रैल 2015 से पहले का है, या पहली बार नया अकाउंटिंग लागू करते हो, जैसे हम भारत में प्रीवियस गैप बदल के नया अकाउंटिंग इंड एएस लागू कर रहे हैं, आईएफआरएस के केस में अगर हम पहली बार आईएफआरएस लागू कर रहे हैं, इन तीन सिनेरियोज में हमें 1 अप्रैल 2015 की बैलेंस शीट भी पब्लिश करनी पड़ेगी। अब इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत यह है कि 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट जो है प्रीवियस गैप में पब्लिश्ड है, प्रीवियस गैप में पब्लिश्ड है, जो पुराना गैप था अकाउंटिंग का उसमें ये 31 मार्च की बैलेंस शीट पब्लिश्ड है। अब अगर मुझे कन्वर्ट करनी है तो मैं 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट उठाऊंगा और मदद लूंगा इंड एएस 101 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस
अब इंड एएस 101 में ऐसा क्या है कि मैंने आईएस 8 या इंड एएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं लागू किया जो कहता है कि रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करना है। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब ऐसे अकाउंटिंग लागू करनी है जैसे सदा से यही अकाउंटिंग लागू हो रही थी। पर अगर मैं ऐसी अकाउंटिंग लागू करूंगा जो सदा से यही अकाउंटिंग लागू हो रही थी तो मैं तो ये कभी काम पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कोई कंपनी 50 साल से चल रही है, कोई 60 साल से चल रही है। और अगर मैं ये कहूं कि जो भी अकाउंटिंग मैं 1 अप्रैल 2015 से लागू करूंगा डेट ऑफ ट्रांजिशन के दिन, वैसी अकाउंटिंग होगी और पीछे जाके दोबारा से कैलकुलेशन ऐसे करूंगा जैसे हमेशा से ही मैं इंड एएस लागू कर रहा था, तो मैं बड़ी दुविधा में पड़ जाऊंगा। तो इस दुविधा का समाधान निकला इंड एएस 101, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंड एएस दो भागों में बंटा है, मैंडेटरी एग्जेम्पशन, मैंडेटरी एग्जेम्पशंस और ऑप्शनल एग्जेम्पशंस। ये एग्जेम्पशन किस बात के लिए है? ये एग्जेम्पशन है रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन के लिए। रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन मतलब कि अगर मैं अकाउंटिंग बदल रहा हूं, अगर मान लो मैं फीफो से वेटेड एवरेज में बदलता हूं, तो मैं ऐसे अकाउंटिंग करूंगा जैसे मैं हमेशा से वेटेड एवरेज इस्तेमाल कर रहा था। अगर मैं कोई प्रायर पीरियड एरर करेक्ट करता हूं तो मैं ऐसे करेक्शन करूंगा जैसे कभी एरर हुआ ही नहीं, उसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। तो अब मैं जब पूरा गैप ही बदल रहा हूं, तो अगर इंड एएस 101 या आईएफआरएस 1 नहीं होता तो मेरे पास एक ही चारा था, इंड एएस 8 अकाउंटिंग पॉलिसी चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। अगर मैं वो लागू करता, वो कहता है कि अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हो तो आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लागू करना पड़ेगा। अगर मैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करता हूं तो मैं कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर ही नहीं कर पाऊंगा नए गैप में। उसके लिए समाधान निकला इंड एएस 101, और इंड एएस 101 में, या इसको आईएफआरएस 1 बोल सकते हो, इसमें समाधान यह निकाला गया कि हम रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन से एग्जेम्पशन ही ले लेते हैं। तो इन्होंने कुछ केसेस में तो मैंडेटरी एग्जेम्पशन कर दिया कि आप रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाई ही नहीं करेंगे, कुछ केसेस में इन्होंने ऑप्शनल एग्जेम्पशन दे दिया कि अगर आपका मन हो रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लागू करने का तो आप यूज करो, वरना आप एज इट इज कैरी फॉरवर्ड करके फिगर्स को आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की फिगर अगर 6 लाख है, आप इसको डीम्ड कॉस्ट मान के इंड एएस में भी लागू करने के टाइम इसको 6 लाख मान के आप आगे बढ़ सकते हैं, आपको रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सो इंड एएस 101 एक फैसिलिटी स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से ये पहली बार ये कंपनी इसको लागू करेगी, और हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कहां कहां हमें छूट है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन में और क्या प्रावधान है, वो यूज करके हम इसको लागू कर सकते हैं। तो 31 मार्च 2015 की बैलेंस शीट हम उठाएंगे, उसके ऊपर इंड एएस लागू करेंगे, इंड एएस 101 यूज करेंगे। इंड एएस 101 यूज करके हमारे पास पहली इंड एएस की बैलेंस शीट आ जाएगी। अब अगर पहली इंड एएस की बैलेंस शीट हमारे पास आ गई 1 अप्रैल 2015 की, और जो नया फाइनेंशियल ईयर है, बोला ना कि इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 16, और मुझे कंपैरेटिव इंड एएस पे बनाने तो ये फाइनेंशियल ईयर एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 15 से लागू हो गया, डेट ऑफ ट्रांजिशन 1 अप्रैल 15 हो गया। तो जो 31 मार्च की बैलेंस शीट है वो भी इंड एएस पे लागू हो गई, वो भी इंड एएस में बन गई, और जो 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट है वो भी इंड एएस में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गई। तो अगर हम भारत में इंड एएस लागू करते हैं तो जो पहले फेज में फर्स्ट इंड एएस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश हुई वो 31 मार्च 2017 की हुई, ये जो 500 करोड़ से ऊपर की जो भी कंपनियां थी उनके ऊपर लागू हुई, जो भी लिस्टेड कंपनियां 500 करोड़ से ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकन। Do like, comment and share. See you next time. Subscribe and hit the bell icon.